दूसरी बार हरियाणा सीएम बनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी लगातार एक्शन मोड में हैं। आज सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में शहर स्थानीय निकाय के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रदेश भर से सभी नगर निगम कमिश्नर मौजूद रहे। इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों से शहरी व्यवस्था और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही उनसे शहरी कार्यों को लेकर रिपोर्ट भी तलब की। सीएम सैनी ने सभी अधिकारियों को अहम निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीएम नायब सैनी ने सभी शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों को, खासकर नगर निगम कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि दिवाली के अवसर पर सभी शहरों को जगमग कर दिया जाए, शहरों में सफाई व्यवस्था ठीक की जाए, शहरी क्षेत्र में आवारा पशु ना दिखे। इसके अलावा सीएम सैनी ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, समाधान शिविर से उन समस्याओं का समाधान हो। इसके साथ ही सीएम ने सभी निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में लापरवाही न करने की हिदायत भी दी है। सीएम ने कहा कि अच्छे से काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित होंगे, मगर लापरवाही मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और सीएम के प्रधान सचिव वी उमा शंकर सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।